ओ कमजोर गेंद, खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार शुरुआत, 4 रन। जगह दे बैठे और उसका पूरा फायदा उठाते हुए कुशल भुरतेल बिल्कुल गैप में निकाल दिया गेंद को, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। चौके के साथ नए ओवर की शुरुआत, ने इस ओवर में अभी तक 4 रन खर्च किए हैं। ओ बहुत ही कमजोर गेंद और दर्शनीय स्ट्रोक, कवर पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया है, एक और चौका कुशल भुरतेल ने, गुड लेंथ के आसपास, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर। इस बार थोड़ी अंदर आई थी गेंद और ये निकल गई है गैप में, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे मेरे ख्याल से। जी हाँ, 4 रन और सलामी बल्लेबाजों ने, इस बार कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है, हालांकि आउटफील्ड वहां पर जरूर स्लो और गेंद अपने आप ही रुक गई है। ओहो, मौका मिल गया आखिरकार फील्डर को। ओहो, इस बार रचनात्मक तरीके से शॉट खेला है, शॉट फाइन लेग के ऊपर से और सीधे बाउंड्री के बाहर, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड पहला मैक्सिमम इस मैच का। बढ़िया ड्राइव, ये गेंद नहीं रुकने वाली है, मिड ऑफ और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खूबसूरत चौका। बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत, ओ अब की बार बढ़िया तरीके से निकाल दिया है लॉन्ग लेग क्षेत्र में, वन बाउंड चौका। ना ज्यादा उछाल मिलेगा क्योंकि गुड लेंथ पर पिच हुई थी गेंद, देखिए ठीक तरह से किक। हालांकि आंकड़ों से जरूर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि गेंदे ज्यादा खेलिए, रन्स बनाए हैं थोड़े से लगता नहीं है, लेकिन अनुशासन दिखाएंगे तो बात बन सकती है। यहाँ पर जगह दे बैठे पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, बेहतरीन स्ट्रोक और यह आता हुआ ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका, अनुशासन दिखाना ही होगा। ओ जोखिम भरा रन लेने की कोशिश और अब ये मामला तीसरे अंपायर के पास सौंप दिया गया है, खेल रहे हैं, कट किया है, गैप है वहां पर। ओहो कमाल का एफर्ट जरूर था ये, लेकिन आखिरकार गेंद सीमा रेखा के बाहर, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका किया है और इस बार इम्प्रोवाइज शॉट, खुशाल भुरतेल इस तरह के शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, 4 रन मिलेंगे। अब की बार जगह बनाई है और निकाल दिया है गैप में, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड 4। अपिच खेला है लेकिन फील्डर से दूर खेला है और यहाँ पर 2 की कॉल, आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए 47 पर पहुंच चुके हैं सरल प्रजापति अपने तीसरे ओवर में। फील्डर बहुत दूर है, इस दफा गेंद निकल गई है पॉइंट बाउंड्री के बाहर, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका आ रहे हैं ये सलामी बल्लेबाज। इस बार हवा में गेंद और इनफील्ड के ऊपर से गेंद, फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका है अभी तक इस मुकाबले में टीम गुजरात द्वारा। बेहतरीन शॉट निकल के मारा है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 4 रन और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा होता हुआ कुशल भुरतेल का के पास। धीमी गति की शॉट बॉल, पुल किया गया दबा में, फील्डर है उस ओर लेकिन कोई मौका नहीं फील्डर के पास, जबरदस्त हिट, 6 रन, सफलता मिल नहीं रही है। एक और बढ़िया शॉट मिड विकेट के ऊपर से तान दिया, इस बार 6 रन अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए। फिर से हवाई फायर, ये भी जाएगी मैदान के बाहर, अब की बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम है। गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है दोनों भी बल्लेबाजों को, लीजिए एक और बड़ा शॉट, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कमाल की बल्लेबाजी, एक और छक्का, लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सेस। और कप्तान उमंग ने, आर्या देसाई, और लीजिए उनका भी स्वागत है बड़े स्ट्रोक के साथ, बहुत ही बढ़िया आला दर्जे का ये स्क्वेयर कट है, और आपकी बार काफी पीछे रखा था इस बार, हालांकि गैप नहीं ढूंढ पाए। ओवर थ्रो, 2 रन पूरे, रन बनाने के मौके चूकते नहीं ये बल्लेबाज, और यहां पर मौका अब फील्डर के पास है, बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही सुंदर कैच जयमालू सरे द्वारा, और ये रही पहली सफलता, आखिरकार पार्टनरशिप टूटती हुई, 125 पर लगा है पहला झटका नेपाल को कुशल भुरतेल के रूप में। के ऊपर एक तो टीम की स्थिति इस मैच में भी अच्छी है और इस सीरीज में भी बहुत अच्छी है,
लीजिए, ये जो इलाका है यहाँ पर ढेर सारे रन्स बनाए हैं मोहम्मद ने, स्क्वेयर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में बहुत ही आला दर्जे के शॉट्स खेल रहे हैं। एक और चौका, 100 रन प्रति ओवर के हिसाब से 191 बन सकते हैं, लेकिन 200 का आंकड़ा छूने का प्रयास जरूर होगा, और इस तरह से खेलेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे। लाजवाब शॉट, लॉफ्टेड शॉट, 6 रन, धीमी गति की गेंद, उसको जल्दी परखते हुए निकाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, अब की बार ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका, 10-12 रन आप बना सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से इम्प्रोवाइज तरीके से भी आप शॉट्स खेले जा सकते हैं वही दिखाते हुए, लेकिन बेहतरीन एफर्ट, बहुत ही शानदार फील्डिंग। रोहित के पास स्ट्राइक, राउंड द विकेट से ये गेंद, ओ लंबा हिट लेने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे हैं खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, और इसके साथ ही रोहित का काम तमाम, एक और सफलता आर्या देसाई के खाते में। वे निकाल दिया इस बार शॉट थर्ड मैन और विकेट कीपर के बीच में से, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत चौका, इस बार आगे निकलकर हाफ वॉली में लेकर लॉफ्ट किया है, और लॉन्ग रन के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर, थोड़ा प्रभाव गेंदबाजों ने डाला है, इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है गेंद के नीचे, और कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा कैच। अंपायर्स को निर्णय देने पड़ते हैं, हवा में है गेंद, यहां पर बेहतरीन कैच, बहुत ही सुंदर कैच, गिरने वाला ये चौथा नीलकंठ विकेट, ओ जबरदस्त कैच, हर्ष देसाई साबित हुई थी, क्लीन बॉल्ड, स्विच इट करने का प्रयास और विफल होता हुआ, सफलता यहां पर प्राप्त करते हुए जयमित पटेल, ये दूसरी सफलता प्राप्त की है उन्होंने पिछले कुछ ओवर्स में, जिस तरह से खेल हुआ है उसको देखते हुए। ओ बहुत ही सुंदर शॉट अलोंग द ग्राउंड खेला है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग कप्तान द्वारा, दो रन निश्चित रूप से बचाते हुए। अंतिम गेंद, बढ़िया यॉर्कर, पूरी इज्जत बख्शी है इस यॉर्कर लेन गेंद को, छोटी बैकलिप से उसको डिग आउट किया है, गति की गेंदे जो कि कारगर साबित हुई है आखिर के ओवर्स में, इस बार ऊंचा उठा दिया है, यहां पर कैच का मौका, और बढ़िया कैच, बहुत ही सुंदर कैच, कैचिंग वाकई में बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है। दुष्यंत को मिलने वाली ये पहली सफलता, अनिल आए हैं और आते ही मिस टाइम कर बैठे अपना शॉट, एक और कैच, इस बार आसान सा मौका था, कप्तान ने कोई गलती नहीं की, और लगातार दूसरा झटका देते हुए इस आखिरी ओवर में दुष्यंत सोनी, क्या यॉर्कर की कोशिश होगी, हाँ बिल्कुल, लेकिन बढ़िया प्रहार, सामने खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, और हैट्रिक गेंद पर चौका, बढ़िया गेंद, लेग कटर, अंतिम गेंद पर भी कोई रन नहीं, और इस तरह से पारी खत्म होती हुई नेपाल की, 20 ओवर्स में 181 बनाए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर, हालांकि और ज्यादा बन सकते थे क्योंकि सलामी बल्लेबाजों ने बहुत ही मजबूत नींव रखी थी, 125 की पार्टनरशिप हुई थी, 181 पर 7 नेपाल, और 182 रनों की चुनौती कुशल बुरतेल के खाते में, 67-44 गेंदों में मोहम्मद आसिफ शेख ने 85 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली मात्र 51 गेंदों में, लेकिन उसके बाद देखिए कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच पाया, बढ़िया स्टार्ट के बाद कहीं ना कहीं पारी लड़खड़ा गई यहाँ पर अंतिम ओवर्स में नेपाल की, 8 अतिरिक्त रन मिले और ये टोटल काफ़ी अच्छा है, लेकिन विकेट भी अच्छा है, आज रन्स बन रहे हैं और ये टारगेट चेस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी बैटिंग भी करनी पड़ेगी। आर्या देसाई 2 ओवर में 2 विकेट्स, बड़े बॉय आज चमके गेंद के साथ, लेकिन बल्ले के साथ भी चमकना होगा यदि इस मैच को गुजरात को जीतना है तो, 2 सफलताएं दुष्यंत सोनी के खाते में, और सबसे ज़्यादा विकेट्स मिले जयमित पटेल को, हालांकि खर्चीले साबित हुए, 4 ओवर में 46 रन्स दिए, लेकिन 3 विकेट जो आए वो उनके अंतिम ओवर में आए, वापसी उन्होंने भी करके दिखाई। हर्ष देसाई महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 32 रन, कोई विकेट नहीं, जय मालूसरे का स्पेल अच्छा था, 4 ओवर में 32 रन दिए लेकिन कोई विकेट तो उनको नहीं मिला। नमस्कार और स्वागत एक बार फिर से आप सभी का साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव प्रेजेंट्स एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में, जहां पर चौथा मुकाबला इस प्रतियोगिता का खेला जा रहा है, इस ट्राइंगुलर सीरीज का, नेपाल बनाम गुजरात, गुजरात के सामने 182 रनों की बड़ी चुनौती, 20 ओवर्स में यह मुकाबला जीतने के लिए, नेपाल टीम ने पहले बल्लेबाजी की टॉस गंवाने के बाद
बहुत अच्छा टोटल खड़ा किया है। और अब सलामी बल्लेबाज क्रीज पर रुद्रा पटेल और उनके साथ आर्या देसाई। पहला ओवर लेकर प्रतीश, पहली गेंद, अच्छी गेंद, गुड लेंथ पर, बढ़िया शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को निकाल दिया है गैप में थ्रू द कवर्स। पहला चौका, पहला ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका आता हुआ रुद्रा पटेल के बैट से। बढ़िया शॉट, इस बार बैकफुट से खेला है, फिर से गैप ढूंढा है और एक और चौका। बढ़िया शॉट, क्या है ये? जी नहीं, यहां पर मिस टाइम कर बैठे हैं। ऐसे लगा कि शायद इनफील्ड के ऊपर से निकाल देंगे, लेकिन रोहित मौजूद गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं मिड ऑफ पर। नहीं, जब गेंद स्विंग नहीं होती है तो फिर लेंथ को बदलते हैं। इस बार मिस टाइम शॉट था, लेकिन बहुत तेज गति से गेंद ट्रैवल कर रही है। कमाल की फील्डिंग डीप स्क्वेयरिश थर्ड मैन की दिशा में। यहां पर दो रन बचाए गए हैं, वो स्विंग कराते हैं न्यू बॉल बॉलर्स इन पर्टिकुलर। हवा में गेंद, यहां पर मिड ऑन को क्लियर करते हुए ये निकल जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। बढ़िया शॉट, इस बार पुल किया और इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। स्मिथ पटेल इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है और ये भी गैप में जा रही है, फील्डर नहीं रोक पाएंगे। एक और बाउंड्री, अच्छा शॉट है ये, लंबा छेज फील्डर के लिए, दूर से आए खिलाड़ी। तब तक दो रन पूरे प्ले में, विवेक आया है, बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छा कैच, लो कैच था ये पॉइंट की दिशा में, कप्तान ने कोई गलती नहीं की और विवेक कुमार के लिए पहली गेंद पर सफलता। सीधा उठा दिया है और सीधे फील्डर के पास, सोमपाल कामी गेंद के नीचे और काम तमाम होता हुआ आर्या देसाई का। बहुत अधिक समय भी यहां पर बर्बाद नहीं कर सकते हैं नए बल्लेबाज, की टीकता देखने को मिलती है। देखिए सिंपल सा बॉलिंग एक्शन है, इस बार गैप में निकाला है, मशक्कत करनी पड़ी है प्रतीश को। ओ बाल बाल बच गए, इनसाइड एज और विकेट कीपर बीट हुए हैं, चार रन मिलेंगे। भाग्य का सहारा मिला है यहां पर बैट्समैन उमंग तांडेल को और इस चौके के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए। इस बार लगभग यॉर्कर लेंथ पर और बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में झा अपने तीसरे ओवर में। अच्छा शॉट जरूर है, लेकिन इस पर ज्यादा रन्स मिलेंगे नहीं क्योंकि पीछे प्रोटेक्शन है और थोड़ा तेज भी खेलना होगा। कुछ इस तरह के शॉट्स खेलने होंगे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वन बाउंस, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। गुलशन अपना आखिरी ओवर लेकर, इस बार हवाई फायर, उठा दिया गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर और फेंक दिया है, शानदार छक्का। बॉलिंग चेंज किया गया है, शॉर्ट बॉल इस बार पुल किया है, फील्डर है पीछे लेकिन थोड़ा सा फील्डर से दूर खेला है। हालांकि फील्डर बाउंड्री के बाहर चले गए थे लेकिन उससे पहले गेंद को रोका उन्होंने बाउंड्री लाइन के अंदर। आशा जीवित है गुजरात की क्योंकि कड़क शॉट्स खेल सकते हैं। डाउन द ग्राउंड हैमर किया है गेंद को, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। बढ़िया शॉट, बहुत ही आकर्षक शॉट, कवर्स के ऊपर से 6 रन मिलेंगे यहां पर ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम प्रियश पटेल के बैट से। स्लोवर डिलीवरी, लॉफ्टेड शॉट, ऊंचा चला गया है और दो खिलाड़ियों के दरमियान ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। पिकअप शॉट खेलना चाहते थे, बैट पर टकराई है, एक रन जरूर मिलेगा यहां पर लेग बाइस का इशारा अंपायर द्वारा। जगह बनाई और उठा के खेल दिया है, अद्भुत शॉट, कप्तान का कप्तानी शॉट की पटड़ी पर। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है और बिल्कुल गैप में एक और बेहतरीन स्ट्रोक कप्तान उमंग के बैट से, 4 रन कई गुजरात के पास। ओ क्या शॉट है ये, 6 रन पर। ओ इस बार केवल स्लाइस कर बैठे हैं, यहां पर मौका बन सकता है लेकिन नहीं, फील्डर दूर रह गए, थोड़ा किस्मत का सहारा मिला है। सामने फोर्स किया है, फील्डर है पीछे और जबरदस्त कैच, सोमपाल खामी
लॉन्ग ऑफ की दिशा में कोई गलती नहीं की उन्होंने और बॉलिंग चेंज रंग लाता हुआ यहां पर पूरे ट्राइंगुलर सीरीज में फ्लाइट दिया इस बार हवा में गेंद फील्डर गेंद के नीचे और लीजिए एक और विकेट जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट भी कुशल मल्ला ने अपनी टीम को दिला दी है लेकिन यहां पर गेंद से कमाल करते हुए इस मैच में हालांकि बल्ला चला नहीं इस बार बढ़िया शॉट बैकफुट पर जाकर निकाल दिया है गेंद को डीप पॉइंट की तरफ और चांद का ये जबरदस्त एफर्ट कितने ही ये चली हवाई यात्रा पर स्टैंड एंड डिलीवर लाजवाब शॉट ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड सिक्सर भी काफी संघर्षजनक है स्विंग करने का प्रयास यहां पर लगा है किनारा अंपायर की उंगली आसमान की ओर और पेवेलियन की राह पर जयमित पटेल ने सिर्फ एक रन अभी तक खर्च किया इस ओवर में इस बार लो फुल टॉस फ्लिक कर दिया और गैप ढूंढा है ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका हर्ष देसाई के बैट से मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है ऑन साइड में मिड विकेट सर्कल के अंदर बढ़िया शॉट कवर्स के ऊपर से निकाल दिया है और चार रन मिलेंगे तो आखिरी ओवर में काफी रोमांच रहेगा शॉट अच्छा है और गैप भी ढूंढा है बहुत ही सुंदर शॉट चार रन मिलेंगे यहां पर तारा है और निकाल दिया है काफी फाइन यहां पर बाउंड्री मिलेगी दिशा इन गेंदबाजी और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए हर्ष देसाई द विकेट से नहीं बल्कि अब राउंड द विकेट से ओ इस बार भी गैप ढूंढा है लॉन्ग लेग का इलाका पूरा खाली है एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका हर्ष देसाई ऑन फायर दो मैक्सिमम गुजरात की जीत हो सकती है हवा में खेला जरूर है लेकिन मिस टाइम शॉट और लगभग जीत सुनिश्चित होती हुई अब नेपाल के लिए इस गेंद पर कम से कम चार रनों का आना जरूरी था टीम गेंद बढ़िया शॉट है सामने फील्डर भी है और इसके साथ ही मुकाबला समाप्त होता हुआ लगातार तीसरी जीत नेपाल के लिए एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में और फाइनल में अपनी जगह उन्होंने पक्की कर ली है काफी मनोरंजन हुआ दर्शकों का इस मुकाबले में पहले तीन मैचेस कहीं ना कहीं एक तरफा रहे थे इस सीरीज में लेकिन आज हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिला और हाई एंटरटेनिंग मुकाबला भी रहा हाई प्रोफाइल मैचेस तो है ही इसमें कोई शंका नहीं है लेकिन आज हाई एंटरटेनिंग मुकाबला भी यहां पर दर्शकों ने देखा अच्छा प्रयास रहा दुष्यंत सोनी का भी आखिर में हर्ष देसाई ने बहुत बढ़िया बैटिंग की